हां नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सिरसा जिले के लिए बुरी खबर है, जहां सिरसा जिले में पशुओं में फैली रेशमिया बीमारी। आखिर क्या मामला है, किस तरह मामला है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सिरसा जिले में गांव रूपावास में अज्ञात बीमारी पशुओं में कहर बनकर टूट पड़ी है। बीमारी की चपेट में आने से 20 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा दुधारू पशु इसकी चपेट में आने से बीमार चल रहे हैं। किसान अज्ञात बीमारी की वजह से हो रही पशुओं की मौत से ग्रामीणों में हाहाकार मची हुई है। हालांकि ग्रामीण निजी पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवा रहे हैं। पशु चालक विभाग को मामले की भनक मंगलवार को लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में पशुओं की मौत हो रही है। गाँव में 400 के करीब पशु बीमार पड़े हैं। ग्रामीणों ने अंदेशा जताया है कि मुँह खुर की बीमारी से पशु मौत के मुँह में जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अन्य पशु भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अचानक से पशुओं का दूध सूखना शुरू हो गया है और बीमारी लगने के 3-4 दिन के भीतर ही पशु दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 15 दिन से गांव में बीमारी फैली हुई है, लेकिन अभी तक एक भी सरकारी चिकित्सक उनके गाँव में नहीं आया। ग्रामीण अपने स्तर पर निजी पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि निजी पशु चिकित्सक 1500 से 2000 रुपये फीस लेकर टीकाकरण कर रहे हैं, फिर भी पशुओं के बचने की कोई गारंटी नहीं है। बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद।